हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है वापस से आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर, जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ और खबरें हैं वो आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ। कुछ बातें हैं जो आप मेरे हिसाब से जानना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या रहता है कि सिर्फ चार्ट्स को देखना नहीं होता है, ठीक है, मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग होना रहता है कि हाँ मार्केट में चीज़ें पॉजिटिव हैं, चीज़ें अच्छी जाएंगी, तभी आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ प्राइस देख के नहीं होता है, ठीक है। तो वही सारी कुछ बातें हैं जो आप लोग के साथ उनको शेयर करनी है, क्योंकि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त चेंज हो रहे हैं। एक सर्वे था, ट्विटर पे एक अकाउंट है प्लान बी करके, मेरे ख्याल से आप सब लोग को मालूम होगा। तो काफ़ी बड़ा अकाउंट है, काफ़ी अच्छे एनालिस्ट हैं और काफ़ी अच्छे उनके फॉलोअर्स हैं, मेरे ख्याल से 50,000 से भी ऊपर हैं। तो उन्होंने एक सर्वे रखा था कि कितने लोगों को लगता है कि BTC का जो प्राइस है वो $1,00,000 से ऊपर की तरफ रहेगा, और कितने लोगों को लगता है कि $1,00,000 से नीचे रहेगा। तो जो लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने अपने सेंटिमेंट बताया है कि क्या लगता है, तो लगभग 83.9% लोगों का मानना यह है कि BTC का जो प्राइस है वो $1,00,000 के ऊपर रहेगा, ओके। और बाकी लोग का ये मानना है, लगभग 16.1% का ये मानना है कि जो प्राइस है वो $1,00,000 तो नहीं, उससे नीचे ही रहेगा, गिरेगा नहीं लेकिन उससे नीचे रहेगा, ठीक है। तो लोगों का जो सेंटिमेंट है काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट है। और ये अभी वैसा नहीं है कि दुनिया भर के सभी लोग अगर बुलिश हैं तो फिर वो मार्केट गिर जाएगा, ये पुरानी बात हो गई। राइट नाउ यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, कंपनी आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। और उसी तरह से इन्होंने एक और सर्वे किया था अक्टूबर 2020 में किया था, यही पूछा था कि कितने लोगों को लगता है कि BTC का जो प्राइस है वो 55,000 से ऊपर रहेगा बाई एंड ऑफ 2021। और उस समय BTC का प्राइस मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास चल रहा था। तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने कहा था कि हाँ बाई एंड ऑफ 2021 हम 55,000 से ऊपर देखते हैं। लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं बहुत तेज़ी से बदले हैं, ओके। और बुलिश सेंटिमेंट, तो जो चीज़ एंड में होनी चाहिए थी वो अभी आप देख सकते हैं वेब के अंदर ही हो गया, ओके। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप भी अपने सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव रखो। मार्केट में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहता है, बेस्ट चीज़ ये रहती है कि आप किस मोमेंट पे एंट्री लेते हैं। फोमो तो कभी करो ही मत अपने अंदर कि नहीं नहीं अब तो मेरे को लेना, ये प्राइस ऊपर आई, जब लगे माइंड में कि हाँ यार प्राइस बहुत ऊपर हो गया तो मत लो। पूरे मार्केट में एक ही ऑल्ट कॉइन तो नहीं है ना, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं। कुछ कॉइन्स हैं वो भी मेरे दिमाग के अंदर है, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। उससे पहले एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, यही कि लोग जो थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं, थोड़ा सा वो कर रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में है कि जितने भी न्यू कमर्स हैं, न्यू कमर्स जो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मेरे ख्याल से वीडियो भी जो देख रहे हैं वो बहुत जोश के साथ आए हैं कि क्रिप्टो के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, मार्केट वॉलाटाइल भी है, ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, हर मार्केट के अंदर होता है। तो अभी ये जो पैनिक क्रिएट करता है उसको जो बिगिनर्स हैं वो काफ़ी दिल पे ले ले रहे हैं, यार ये तो हमने क्या उम्मीद लगाई थी, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम तो सोच रहे थे 75 चले जाएगा पर ये तो वापस से नीचे आ गया। तो हमेशा से ये कहूँगा कि जो डिप आया है ना उसका फ़ायदा उठाओ। ये डिप कहाँ आया है, ये डिप एक ज़बरदस्त सपोर्ट पे आया है, ओके। और आप और हम इस डिप में पैनिक करते हैं, लेकिन उसी पैनिक के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उसका फ़ायदा उठाती हैं, वो एक्युमुलेट कर रही हैं और आपको न्यूज़ में मिल जाएंगी। और आप और हम ही हैं जो पैनिक कर रहे हैं, जिन्होंने बाय किया है। जैसे कि हम बात करते हैं टेस्ला की, बात करते हैं टेस्ला जो कंपनी है उसने लगभग $2 बिलियन की BTC अपने एसेट के अंदर बाय किए हैं उसने, ओके। उसके साथ एलन मस्क जो है, जो टेस्ला का CEO है, उसकी काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है BTC को लेके। उसका कहना है कि ही बिलीव्स BTC इज बेटर देन फिएट एंड इज प्रोटेक्टिंग हिज ओन वेल्थ विथ BTC। BTC जो है वो फिएट करेंसी से बेहतर है और अपनी पूंजी को वो BTC के अंदर संभाल कर रखना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैक डॉर्सी की, बात करते हैं जो ट्विटर के CEO हैं। उनका मानना यह है कि ही बिलीव्स BTC विल बिकम द करेंसी ऑफ द इंटरनेट। फिएट करेंसी वगैरह चलती रहेंगी लेकिन इंटरनेट की जो नंबर 1 करेंसी होगी डेट विल बी BTC, ओके। ये सब बहुत आगे का सोच रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज संभाल रहे हैं तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे, कुछ सोच के ही बाय कर रहे होंगे। देन माइकल सेलर की बात करते हैं जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के CEO हैं। उनका मानना यह है कि ही बिलीव BTC इज द बेस्ट हार्ड एसेट इन ह्यूमन हिस्ट्री। नेक्स्ट माइकल नोवोग्रैड्स की बात करते हैं, ही इज ए बिग बिलियनर। उन्होंने अपना जितना वेल्थ है उसका 30% जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है।
नेक्स्ट हम विंकल वूज ट्विंस की बात करते हैं, जो बिलियनियर्स हैं। उन्होंने भी कह सकते हैं कि 2017 से अपने बीटीसी को होल्ड करके रखा है, और 2017 से लेकर अभी तक अच्छा खासा मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ है, फिर भी उन्होंने होल्ड करके रखा है। उसके साथ ही बैरी सिल्बर्ट हैं, वो भी एक अच्छे खासे मिलियनर है, 500 मिलियन डॉलर की उनकी एक वेल्थ है, उन्होंने भी बीटीसी को होल्ड करके रखा है। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं उन्होंने बीटीसी को होल्ड करके रखा है। वो पैनिक नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ जितना नीचे आता हम एक्युमुलेट कर लें। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि अप्रैल मंथ है, दिस विल बी ए वेरी बिग मंथ फॉर क्रिप्टो करेंसी। क्यों? क्योंकि एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। मार्च जो सभी देशों में एक एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, फिस्कल ईयर होता है, ख़त्म होता है, अप्रैल स्टार्ट होता है। तो हर जो कंपनी होती है वो नए साल के अंदर एक नई बैलेंस शीट के अंदर ही अपने एसेट को इन्वेस्ट करती है किसी भी नई चीज़ के अंदर। तो बहुत सारी कंपनी का आपको नाम सुनने को मिलेगा जो बताएंगे कि हमने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया है, हमारी एसेट्स इसके अंदर है, तब जाके मार्केट में एक अच्छा खासा बूम आएगा। और दूसरी चीज़, अगर हम कॉइन बेस की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे OTC होता है, ओवर द काउंटर BTC वगैरह की सेलिंग होती है, तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर BTC जो है लगभग कह सकते हैं 24,000 के आसपास कॉइन बेस से निकले हैं। ओके, लास्ट 24 आवर्स कहूँ या कह सकते हैं कि लास्ट वीक के अंदर। ओके, और पिछले 30 दिन की हम बात करते हैं तो लमसम 85,000 BTC जो है वो कॉइन बेस से निकल गए हैं, और वो गए हैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर, कोल्ड वैलेट के अंदर गए हैं। ओके, तो जब निकलते हैं कोल्ड वैलेट पे जाते हैं, उसका मतलब यही है कि इसको सेव करके रखो, प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाएगा। ओके, वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो कुछ और एक इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स हैं। एक तो एल्गो है, राइट में इसका प्राइस चल रहा है 1.09 के आसपास चल रहा है, और मेरे हिसाब से इसने जो अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था, वो बनाया था $3.5 का बनाया था, मेरे ख्याल से जून 2019 के अंदर बनाया था। और राइट नाउ इसकी कुछ न्यूज़ है, इसकी कुछ पार्टनरशिप है विथ SIAE, ये इटली का कह सकते हैं कि एक लार्जेस्ट कॉपीराइट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके साथ इसका एक पार्टनरशिप हुई है, और ये वर्क करेंगे NFT के जो कॉपीराइट्स होते हैं उसके ऊपर इनका वर्क होने वाला है ऑन एल्गो ब्लॉकचेन। तो मेरे हिसाब से एल्गो के ऊपर भी आप नज़र रखना, एक अच्छे खासा मुनाफा आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियो कॉइन की बात करते हैं, तो न्यू कॉइन का N3 टेस्टनेट जो है वो लॉन्च होने वाला है। उसके काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स हैं, न्यू FS हैं, फाइल स्टोरेज के ऊपर है, और कुछ डेवलपमेंट टूल किट्स हैं फॉर डेवलपर्स, और दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दी फी स्ट्रक्चर, ऑप्टिमाइज फी स्ट्रक्चर। तो न्यू के ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा फोकस करना, ये भी अच्छा खासा आपको मुनाफा दे सकता है। नेक्स्ट, मैंने कार्डोनो को कवर किया है इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, वापस ये कार्डोनो के कुछ एक अपडेट्स हैं वो आपको बताता हूँ कि दे आर गोइंग टू लॉन्च प्राइवेट टेस्ट नेट ऑन 1 अप्रैल फॉर दी एलोजन अपडेट, जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर, और उसी का जून और जुलाई मंथ के अंदर मेन नेट स्टार्ट होगा। इसके साथ ही इनकी टीम वर्क कर रही है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्लूटस, जो मेरे ख्याल से लगभग 6 महीने के अंदर वो भी रेडी हो जाएगा, तो उसकी भी एक अपडेट आएगी। तो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी खासी चल रही है, तो इसके लिए कह रहा हूँ कार्डोनो के ऊपर नज़र रखो, कि अच्छा खासा आपको हमको मुनाफा दे सकता है। तो दोस्तों, ये था क्विक अपडेट ऑन क्रिप्टो मार्केट, कुछ न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर की हैं, और कुछ सेंटिमेंट के बारे में हमने बात किया जिनके ऊपर आपको हमको फोकस करना है। तो टुडे इज़ फ्राइडे और वीकेंड्स का टाइम आ गया है, सैटरडे और संडे है, तो कोशिश करना जो ऑल्ट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखना, डिप में मिलता है तो ले लेना, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और BTC की बात करते हैं तो BTC वापस से 53,000 के ऊपर आ गया है। ओके, थोड़ी देर के लिए 52,700 पे आया होगा, जो लोग को डर लगा होगा तो उन्होंने फटाफट बेच दिया होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। ओके, नीचे आएगा तो ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, छोटा मोटा नुकसान होगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगी तो साथ साथ लाइक ठोक देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।